नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं dlallantop.com। इसके आगे की पंक्ति बदल गई है। पिछले 48 घंटे से तीसरा वाक्य होता था और ये है कैराना का नज़ारा। मगर हर वक्त चुनाव की आपाधापी भी क्यों हो, चुनाव जिन चीज़ों के लिए होते हैं कभी ठहर कर उन पर भी तो बात होनी चाहिए। बात उस प्रशासन पर होनी चाहिए जिस पर इल्ज़ाम लगते हैं और जिससे उम्मीद भी की जाती है। और ये हमेशा ज़रूरी तो नहीं कि आलोचना के स्वर में बात हो, इसलिए हमने सोचा कि आज दी लल्लन टॉप के पाठकों को एक सकारात्मक कहानी सुनाते हैं और वो कहानी मैं अपनी पैदाइश के सूबे यूपी से सुनाता हूँ। आपका दोस्त हो अच्छी बात है, दोस्त एक अच्छी जगह पोस्टेड हो, अच्छी नौकरी में हो और अच्छी बात है, लेकिन इन सब के साथ साथ दोस्त और सफल होने के साथ साथ अगर वो सार्थक काम कर रहा हो तो छाती गज भर चौड़ी हो जाती है। ये मेरे दोस्त हैं, इनका नाम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया है और ये पेशे से IAS हैं और कई दिनों से कह रहे थे कि देखिए छाता में हम लोगों ने कुछ नई कोशिशें की हैं, आप आएँ देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो औरों को भी पता चलेगा और आपको ध्यान होगा लल्लन टॉप के पाठकों को कि हम आलोचना के स्वर में तो हमेशा रहते हैं क्योंकि ये पत्रकारिता का काम है शाश्वत प्रतिपक्ष में रहना। पर प्रतिपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं कि अच्छे काम पर बात नहीं की जाए, सकारात्मकता पर बात ना की जाए। वापस वो तस्वीर देखिए जिससे वीडियो की शुरुआत हुई, ये महात्मा गांधी की तस्वीर है जिसको RK मिश्रा साहब बना रहे हैं और मिश्रा साहब अच्छे पेंटर हैं। ये मैं इस अधबनी तस्वीर को देखकर नहीं कह रहा हूँ, अभी आप जब मेरे साथ इस तहसील परिसर में घूमेंगे तब आपको चीज़ समझ में आएगी। गांधी का ये मेरा भी सबसे फेवरेट कोट है, जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह पहले स्वयं में लाएं। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। राजन साहब, कोट्स बहुत देखे, गांधी की तस्वीरें ये देश 48 से इस्तेमाल कर रहा है। कैसे इस्तेमाल कर रहा है उस पर नहीं पूछूंगा, आपके सर्विस एक्ट होते हैं। आप जब ज़िला मथुरा तहसील छाता में आए तब नज़ारा कैसा था, आप बता दीजिए, फिर तस्वीरें भी दिखाऊंगा। एक्चुअली मैंने 7 अक्टूबर को यहाँ मथुरा में ज्वाइन किया था और उसके बाद 12 अक्टूबर को मैंने छाता एज ए SDM ज्वाइन किया, क्योंकि IAS के बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट के पद के ऊपर पदस्थापन होता है और उसके बाद लगभग 1 से 1.25 साल तक हम SDM रहते हैं। तो जब मैं तहसील में आया तो जब तहसील का मेन गेट देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये गेट शायद पिछली सदी के अंदर ही खुला था, 10-15 साल हो गए थे, जाम था पूरा और बाहर दोनों तरफ दो बड़े बड़े गड्ढे थे जिनमें पूरे शहर का जो ड्रेनेज था, जो मल और जल था, वो एकत्र होता था। तो मैंने सोचा कि ये इस तरह तहसील कैसे हो सकती है। जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो अंदर भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी, टॉयलेट काफ़ी लंबे समय से यूज़ नहीं हो रहे थे क्योंकि जब उनको कोई साफ़ नहीं करता तो इंसान जगह जगह दीवारों को खोजता है और उनको शौचालयों में परिवर्तित कर देता है। पेशाब घर के पिकासो हैं, दीवारों पर चित्रकारी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी जब विदेशी लोग यहाँ आते हैं भारत की धरा पर तो वो कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खुला शौचालय है। तो इसी तस्वीर को बदलने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे रेस्पेक्टेड DM सर ने एक लक्ष्य रखा था कि पूरे के पूरे ज़िले को स्वच्छ और दक्ष बनाया जाए, तो उसी दिशा में मैंने एक कोशिश की। अच्छा, आप कोशिशों का जिक्र कर रहे हैं, आपने तस्वीर का जिक्र किया, लोग कहेंगे कि हो सकता है बनावटी बातें हों, तो पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। रजत जी, ज़रा अपने कैमरे को इधर लाइए। हमें भी लगा कि कोई कितना कर लेगा, 2-4 वॉल पेंटिंग करवा देगा, 2-4 कुर्सियाँ रखवा देगा। ये तहसील का ऑफिस है, मुझे ऐसा लगा था कि ये किसी मलिन बस्ती का नज़ारा है, माफ़ कीजिएगा मेरी कड़वी भाषा के लिए, लेकिन इस तस्वीर को देख के ऐसा ही लग रहा था। गंदगी भरी हुई है, जल कुंभियाँ उगी हुई हैं और किनारे कूड़े का ढेर है, पर अब ये ऐसा दिखता है। आप कहेंगे कैसे मान ले दिखता है, हम दिखा देंगे। ये देखिए, एक बड़ा गटर जैसा बिल्कुल लग रहा था, जैसे पूरे कस्बे का, पूरे छाता का सीवेज का पानी यहाँ इकट्ठा होता हो। क्या सब तहसीलदार से नाराज़ रहते थे क्या लोग, जो सब तहसील के दरवाजे में कूड़ा फेंक जाते थे? एक्चुअली ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं था तो मजबूरी थी, पानी यहाँ एकत्र होता था। अब मैंने क्या किया कि नगर पंचायत छाता का जो पहला बजट लगभग 1 करोड़ का आया, उससे पूरे शहर में नाले बनवाए,
ताकि ये जो ड्रेनेज है वो यहाँ का मेन नाला है शेरगढ़ नाला, उसमें जाए और इससे मुक्ति मिल सके। ये देखिए जो अभी बता रहे थे राजेंद्र की तहसील परिसर छाता, और ये छाता में गेट कब खुले थे समझी में नहीं आ रहा था, और ये आपका नज़ारा है। हम लोग अक्सर देखते हैं ना इंटरनेट पे बिफोर एंड आफ्टर, खासतौर पे वो जो कैप्सूल बिकते हैं, पतले को मोटा कर दिया, छोटे को लंबा कर दिया, ये उस टाइप का नज़ारा है। तो हमें लगा कि ऐसा ना हो। ये देखिए ये स्टाफ क्वार्टर है जिसके पीछे बजबजाती हुई नालियाँ हैं, और ये मौजूदा मंजर है। और ये सारी चीज़ें सिर्फ बाहरी सफाई तक सीमित नहीं हैं, चाहे फाइलों को व्यवस्थित करने का काम हो, या फिर ये देखिए पहले गद्दे पर बैठ के रेवेन्यू का काम करते थे कर्मचारी, पालथी मार के, किसी को गठिया वठिया हो तो वो तो कोसता हुआ जाता होगा। हाँ, दिक्कत तो होती थी, जो बुज़ुर्ग कर्मचारी थे उनको नीचे बैठने में काफ़ी दिक्कत आती थी, इसलिए हमने सभी के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करवाई। अच्छा, आपने ये जो सब करवाया ये तो समझ में आया, ये ISO सर्टिफिकेशन क्या होता है जो आपको मिला, UK की संस्था ने दिया है? एक्चुअली टहलते हुए बात करेंगे तो दिखता भी जाएगा थोड़ा सा। रजत जी, ये जो किनारे, जो पीकदान, जो हिंदुस्तान की, और उसमें भी UP की महामारी है, गुटखा खाओ और कहीं भी थूक दो, हैं, उन्होंने अपने मुंह को एक शौचालय बना रखा है और वो दीवारों पर जगह जगह गिराते रहते हैं, तो ये उससे बचने के लिए लगाए गए थे? ये एक हमारी सोच थी कि यदि दीवारों के ऊपर भारतीय संस्कृति का या जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही है उनका, या ब्रज संस्कृति और धरोहर का तस्वीर यहाँ पे लगाएंगे तो सामान्य रूप से इंसान इन चीज़ों की इज्जत करता है, मंदिर पे कोई कैसे कम, हाँ, कोई पीक थूकता नहीं है। तो जो दीवारें लाल हो गई थी उनको हमने बिल्कुल साफ करा करके ये सारे फ्लैक्स लगवाए, और अब स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर है। ये हमने कहीं कहीं सार्वजनिक जगहों पे देखा है कि लोग जहाँ सुसु ज़्यादा करते थे तो उन्होंने भगवान की टाइल्स लगा दिए थे, तो कहीं टाइल उखाड़ ले गए थे, कहीं ने टाइल के ऊपर कागज़ चिपका दिए ताकि दिक्कत ना हो। ये सब, ये बोर्ड वोर्ड भी नए लगे हैं? एक्चुअली सरकार तहसील के स्तर के ऊपर काम करती है, क्योंकि सबसे जो छोटा पायदान होता है वो तहसील होता है जी। और तहसील में जो विभिन्न योजनाएं हैं या विभिन्न कार्य होते हैं, हमने ये सोचा कि पूरी की पूरी तहसील में सबका फ्लैक्स बना दिया जाए, बोर्ड बना दिया जाए, ताकि लोग खुद पढ़ सकें कि चीज़ें कौन कौन सी हैं और किस तरह से प्रोसेस होती है, जैसे कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, तो इसमें जो 7 योजनाएं सरकार की जो प्रमुख योजनाएं चल रही हैं उनका नाम भी है इसमें। अच्छा, पर ये बताइए कि जब आप यहाँ पर आए, हमने ये चीज़ अक्सर देखी है जब कोई अधिकारी आता है इस तरह के बदलाव करने की कोशिश करता है, तो जो लोग ऑलरेडी होते हैं स्टेटस को मेंटेन करने में, जिनके हित बने होते हैं, उनका बड़ा विरोध रहता है। तो आपको विरोध किसका सामना, किसका झेलना पड़ा, और सहयोग किसका मिला, क्योंकि कई लोगों की मेहनत रहती होगी, टीम रहता होगा। हम लोग बाहर चलते हैं तो आपको, मुझे वो भी आपकी चीज़ बड़ी अच्छी लगी जो आपने गेट पे बैठ के जुर्माना किया जैसे स्कूल में टीचर करते थे। आइए इस तरफ चलते हैं जी, बताइए किसका सहयोग रहा, किसका विरोध रहा? नहीं, प्रारंभ में जब शुरुआत की तो सबको ऐसा लगा कि शायद इस तरह की चीज़ें संभव नहीं हैं, क्योंकि उनको लगा कि ये केवल आदर्श रूप में हो सकती है, व्यवहार में नहीं। लेकिन जब हमने 2-3 चीज़ें की, जैसे बाहर के दोनों गड्ढे भरवाए और एक ओवरऑल सफाई रखनी शुरू की, तो लोगों को ये समझ में आने लगा कि यदि हम प्रयास करेंगे, हम सहयोग देंगे, तो ये स्वच्छ और दक्ष तहसील का जो हमारा सपना है वो साकारित होगा। अच्छा। तो इसी दिशा के अंदर जब हमारा प्रयास हुआ तो जो असहयोग करने वाले कुछ लोग थे उन्होंने भी सहयोग देना शुरू किया। हाँ। और इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया हमारे CO साहब ने और मैंने। मैं और CO साहब मेन गेट के ऊपर बैठ जाते थे और जो भी वहाँ पे, हाँ, मेन गेट पे, हाँ, तो वहाँ पे एक टेबल ले लेते, वहीं जन सुनवाई करते, और यदि कोई पान की पीक थूकता हुआ पाया जाता या पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू उसकी जेब में पाया जाता तो वहीं नीचे रखवा लेते थे। अच्छा। तो वो वहीं गिरा के चला जाता और पीता हुआ दिखाई देता तो 200 रुपये जुर्माना लगाते। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब 95% कम से कम सामने नहीं दिखता कोई भी इस तरह के कार्यकर्ता हुआ। अच्छा, मतलब ये सिर्फ दीवार पे लिखा एक नारा भर नहीं है धूम्रपान निषेध, हाँ, इस पर अमल भी हो रहा है? बिल्कुल अमल हो रहा है और यहाँ की जनता अब काफ़ी सहयोग कर रही है, और वो कहते हैं कि जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें भय लगता है कहीं जुर्माना नहीं कट जाए। अच्छा। इसलिए कम से कम वो तहसील परिसर में धूम्रपान करने से या किसी प्रकार का नशा करने से बचते हैं। ये बताइए, मैं तो चूँकि कॉरपोरेट सेक्टर में हूँ, वहाँ पर हमने ये खूब आई कार्ड देखे हैं, BPO सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में, तहसील छाता, जनपद मथुरा, उत्तर प्रदेश सरकार, नाम राम सिंह, राजस्व सहायक, संग्रह सेवक, हैं,
तो ये कार्ड वगैरह पहले भी होते थे? नहीं, पहले आइडेंटिटी कार्ड नहीं थे। एक्चुअली हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनको फील्ड में भी जाना पड़ता है, तो बार बार में अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है। और यहाँ पर भी जो जनता आती है उनको पता नहीं रहता कि कौन व्यक्ति का क्या नाम है, क्या उसका मोबाइल नंबर है और क्या उसका डेजिग्नेशन है। तो हमने सभी के लिए कंपलसरी आइडेंटिटी कार्ड और ड्रेस बनवाई। ड्रेस में वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, और ये अर्दली हैं इसलिए इनका दोनों वाइट पैंट और वाइट शर्ट रहेगा। पर ये मैं जितना पढ़ता हूँ, जानता हूँ सरकारों को, उनके खर्चों के सिस्टम को, अक्सर ये कहा जाता है कि भाई जैसा है उतने में ही मैनेज कर लो। आप ये नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत नियमावली के हिसाब से चलना पड़ता है सरकारों में, हर चीज़ लिखी हुई है। मैं पुलिस वालों से बात करता हूँ तो वो भी इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि ऊपर से कह दिया जाता है कि पेट्रोलिंग बहुत करिए, मद में सिर्फ इतना डीजल का खर्चा, इतना उसका। तो आपने मैनेज कैसे किया ये सब, क्योंकि फ्लेक्स लगे हों, फर्नीचर चेंज हुआ हो, खर्चा तो बहुत आया होगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, कर्मचारियों की बहुत कमी है उत्तर प्रदेश में। राजस्व मतलब जहाँ 6 तहसीलदार चाहिए वहाँ 2 हैं, जहाँ 20 चपरासी चाहिए वहाँ 2 हैं। संसाधनों की समस्या थी। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राजस्व परिषद में जो प्रवीर सर हैं, अभी राजस्व परिषद के अध्यक्ष प्रवीर कुमार, हाँ प्रवीर कुमार सर, हाँ। वो मिल करके लगभग हर तहसील को 40 लाख दे रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने छाता को एक मॉडल के रूप में घोषित करके ये बताया है कि यदि 40 लाख रुपए हर तहसील को मिले तो एक छाता की तरह सब तहसीलें स्वच्छ और दक्ष हो सकती हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ बजट नहीं था, लेकिन मेरे को एक लाभ मिला जो शायद पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की 10 या 15 तहसीलों के पास था। वो ये कि हमारा जो छाता क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर पेप्सी है, कोक है, क्रिम्बल है, गिनी है, जिंदल है, वो एक वेकमेट है, भोलेनाथ है, तो कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। तो जब उन सभी को से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि सर हम सहयोग कर देंगे, लेकिन शर्त ये है कि हमारा सहयोग दिखना चाहिए। तो मैंने उनको ये कहा कि आप डायरेक्ट जो भी है वो काम करवाइए और आपका नाम हम यहाँ पे लिखवाएंगे कि किसने क्या सहयोग दिया। 2 बोर्ड मैंने वहाँ लगा रखे हैं। अच्छा। और उसके ऊपर पूरा डिटेल लिख रखा है कि किसने क्या काम करवाया था। तो इस तरह से जब उनमें विश्वास पैदा हुआ तो उन्होंने आगे से सब काम करवाया। एक तरह से CSR फंड और वॉलंटरी डोनेशन से ये सारी चीज़ें संभव हुई। ये मैं आप लोगों को इसलिए भी इतने विस्तार से सवाल पूछ के बता रहा हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये फैसला किया है कि ये जो छाता में राजेंद्र पेंसिया ने मॉडल अडॉप्ट किया है और जिसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है, ये प्रदेश की सारी तहसीलों में लागू किया जाए। तो हम लोग गुड गवर्नेंस की अक्सर बात करते हैं, हमें लगता है कि ये जुमला भर है, लेकिन बदलाव तो हो ही रहे हैं। सारी चीज़ें खराब भी नहीं हैं, सारी उजली भी नहीं हो गई। तो हमें लगा कि जहाँ से बदलाव की शुरुआत हो रही वहाँ जाके देखा जाए। ऐसा तो नहीं है कि जब बड़े नेता आते हैं या बड़े बड़े घोषणाएँ या ऐलान होते हैं सिर्फ तभी बदलाव होता हो, और इसलिए अचानक चले आए कहीं पे कुछ एक कंप्यूटर लैब वगैरह में थोड़ा सा हमें डस्ट दिखी तो हमने पूछा तो हमें एक और चीज़ पता चली कि सफाई कर्मचारी एक भी नहीं है। तो ये तो और भी बड़ा चमत्कार हो गया कि आपके पास एक भी परमानेंट सफाई कर्मचारी नहीं है और सफाई करवा ली। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि जो नगर पंचायत के अंदर सफाई कर्मी हैं, हाँ। वो 2 घंटे सुबह आएँ और 2 घंटे शाम को, तो 4 कर्मचारी हमने वहाँ से एक तरह से डेप्यूट करवा लिए हैं ताकि यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। अच्छा, और किस तरीके के मामले आते हैं जो हमारे शहरी दर्शक हैं उनको कई बार समझ में नहीं आती है कि जैसे रजत चंडीगढ़ से हैं तो रजत पूछ रहे थे, अच्छा ये तो IAS हैं तो ये जज की तरह क्यों बैठे हुए हैं, जब आप वो सिविल कोर्ट में मामले सुन रहे थे। तो हम लोग कोर्ट भी दिखा सकते हैं कुछ, वो किस तरीके के मामले आते हैं अगर, हाँ, आप बता सकें तो जो बिल्कुल अर्बन वाले हैं उनको थोड़ा मैकेनिज्म का भी अंदाज़ा लग जाए। एक्चुअली जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें 3 काम होते हैं। एक तो सामान्य प्रशासन का काम होता है, और दूसरा मजिस्ट्रियल काम होता है, और तीसरा कोर्ट का काम होता है। मजिस्ट्रियल काम के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो हम रेवेन्यू कोर्ट को डील करते हैं, तो आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, वो सिविल कोर्ट नहीं, हमारा रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट जी। और दूसरा क्या है कि जितना भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो वो हम पूरे क्षेत्र में कहीं भी हो रही है उसको डील करते हैं। और उसके बाद जो कुछ भी इस क्षेत्र में होता है, ओवरऑल जो लास्ट जिम्मेदारी होती है वो कहीं ना कहीं राजस्व प्रशासन की होती है। इसलिए चाहे वो नाली से संबंधित मामला हो, चाहे कब्जे का हो, चाहे चक्रोड का हो, चाहे कहीं मारपीट हो रही हो, शांति भंग हो रहा हो, या किसी ने रेवेन्यू कोर्ट में ज़मीन से संबंधित कोई मुकदमा किया हो, वो सारे के सारे हम डील करते हैं। अच्छा, और वो यहाँ पे डील होते हैं? हाँ, ये हमारा कोर्ट है, न्यायालय है, उप जिलाधिकारी। तो यहाँ पे क्या सुनवाई का क्या वक्त रहता है?
अभी जो सुनवाई है हमारी, सोमवार को यहाँ स्ट्राइक रहती है, नो वर्क रहता है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक और बेंच यहाँ पे खुले इसकी डिमांड हो रही है मेरठ में। हाँ, अभी हम लोग कैराना में थे तो वहाँ पर भी वकील प्रदर्शन कर रहे थे, और कल प्रधानमंत्री का जो रोड शो है और बागपत में कार्यक्रम है तो उसमें भी विरोध करे, तो यहाँ पर भी बंद रहता है। हाँ, यहाँ सोमवार को नो वर्क रहता है और बाकी 5 दिन कोर्ट रेगुलर चलता है मेरा। अच्छा, और कोर्ट रेगुलर चलता है। दाखिल खारिज के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना, तो ये सारा प्रोसेस भी लिख दिया गया है। प्रोसेस लिख दिया गया ताकि आम आदमी समझ सके कि यदि हम एडवोकेट के पास भी जाते हैं तो वो किस तरह से चीज़ों को डील करेगा, उसको खुद को पता हो। पर मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ डिफर कर रहा हूँ अहिन साहब, ये जो भाषा है अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार अनुतोष प्राप्त होना, ये तो बहुत ही कानूनी भाषा लग रही है। एक्चुअली ये जो प्रोसेस की जो भाषा है वो हमने एज इट इज रही है। हाँ, मतलब वो तो जाहिर सी बात है, आपके ज्यूरिडिक्शन में भी नहीं बदल रही। अनुतोष क्या होता है? अनुतोष का मतलब लाभ। अच्छा, रिलीफ, उसको जो लाभ प्राप्त होगा, जो रिलीफ प्राप्त होगा वो है अंत के अंदर। और सुनवाई यहाँ पे होती है? बिल्कुल, अंदर कोर्ट है हमारा, रेवेन्यू अभी कोर्ट है, और मैं कोर्ट में सुनवाई सुन रहा था और एक बूढ़े वकील साहब थे और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जॉली LLB 3 का शूट चल रहा है, बुजुर्ग पूरे सन जैसे सफ़ेद बाल दलीलें दे रहे थे। कुछ कुछ वारिस का और रेवेन्यू का मामला था कि गलत तय करना था। एक्चुअली 35-2 के अंदर वो अपील थी जो हमारा नई रेवेन्यू कोड बना है, तो तहसीलदार जी के यहाँ से दाखिल खारिज का आदेश हो गया था, तो उसके विरुद्ध अपील कर रहे थे कि जो बेनामा है वो सही नहीं है, और एक वकील साहब ये कह रहे थे कि जो बेनामा हुआ है यानी विक्रय पत्र है वो सही है, और उनकी दलीलें बिल्कुल ऐसी थी कि मेरे काबिल दोस्त, और बहुत शानदार था क्योंकि हमने कभी वैसे भी नहीं, हमने सिर्फ अदालतों में कार्रवाइयाँ देखी हैं, योर लॉर्डशिप। और अच्छा, ये जो न्याय की देवी हैं ये भी आपके आने के बाद बनी है? हाँ, ये अभी अभी बनवाई थी मैंने। एक्चुअली जो रेवेन्यू कोर्ट होता है उसके अंदर न्याय की देवी की प्रतिमा होनी चाहिए, तो हमने सोचा कि एक अच्छी सी पेंटिंग बनाई जाए ताकि एक पॉजिटिव एटमोसफियर क्रिएट हो यहाँ पे। पॉजिटिव एटमोसफियर क्रिएट। आगे क्या इरादा है? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूँ, मैंने दर्शकों से कहा भी शुरुआत में कि ये मेरे दोस्त भी हैं, आप पढ़ते बहुत हैं, तो हमने ये देखा कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो मक्कार और आलसी हो जाता है, ये देश की और समय की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जितने ज्ञानी हैं वो एक एक आसन पर विराजमान हो जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और इसीलिए कर्म की प्रधानता नहीं रहती है, आचरण की शुद्धता नहीं आ पाती, पर आपके मामले में ऐसा नहीं दिख रहा है। आप फिट भी रहते हैं और आपके मोटिवेशनल वीडियो भी बहुत देखे जाते हैं, मैं यूट्यूब पे चेक कर रहा था, तो जो हमारे UPSC की तैयारी करने वाले दोस्त हैं उनके बीच आप बड़ा पॉपुलर चेहरा हैं, और राजस्थान जहाँ के चुनावों की हम तैयारी कर रहे हैं और IAS में आने से पहले आप वहीं पे SDM थे, और किताबें बहुत लिख डाली हैं आपने वहाँ की। हाँ, 5-6 पुस्तकें लिखी थी, जो PCS की तैयारी करने वाले हैं राजस्थान की वो पढ़ते हैं मेरी पुस्तक। ये विनम्रता से बता रहे हैं, मैं बता देता हूँ, लोग पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा इन्हीं की किताबें पढ़ी जाती हैं। अगर आप राजेंद्र पेंसिया टाइप करेंगे तो हो सकता है गूगल का दूसरा तीसरा लिंक वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RAS बोलते हैं, RAS की किताबों का इनका लिंक आ जाए। ये मॉडल बाकी जगह है जहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स नहीं हैं, वहाँ पर अगर इस सफाई के मॉडल को, छाता मॉडल को अपनाना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या कोई दूसरा राज्य, तो और क्या तरीके हो सकते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में भी तो ये आया होगा कि यार ये नहीं होता तब क्या करते हैं। वहाँ अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रवीर कुमार सर ने अभी वहाँ पे लगभग हर तहसील को 40 लाख रुपए दे करके इस मॉडल को एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया है, और उसमें कुछ भी चीज़ें जो वहाँ की एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ की तहसील प्रीमाइसिस के हिसाब से या वहाँ की आवश्यकताओं के हिसाब से यदि मॉडिफाई कर सकें तो वो भी कर सकते हैं। तो हमें अभी रेवेन्यू बोर्ड बुलाया गया था, तो हम माननीय राजस्व परिषद गए और वहाँ पे अपना व्याख्यान भी दिया, और वहाँ पे एक बहुत ही डिटेल GO जारी हुआ है कि किस किस तरह से छाता मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 41 तहसीलों के लिए 40-40 लाख रुपए दिए हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र हो या न हो, जब सरकारी पैसा आया है और वो इसमें लगेगा तो एक सरकार का एक इस तरह से चेहरा जाएगा कि वास्तव में चीज़ें सही ढंग से चलती हैं और स्वच्छ और दक्ष हैं सब कुछ। चलिए, आप स्वच्छता दक्षता की बात कर रहे हैं, एक आखिरी सवाल, आपसे बहुत सारे लोग संपर्क करते होंगे क्योंकि आपने हिंदी माध्यम से IAS क्लियर किया, और इनके पास बड़ी झोला भर डिग्रियां हैं, 4 MA कर चुके हैं, PhD है, और कह रहे थे यार पहला साल ऐसा गुजरा है जब मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर पाया काम के साथ साथ, तो पता करता हूँ आसपास कौन से कोर्स चल रहे हैं।
बहुत सारे नौजवान आपको देखते हैं, आदर्श मानते हैं, खासतौर पे जो हमारे मुखर्जी नगर वाले दोस्त हैं, नॉर्थ वाले दोस्त हैं, लखनऊ इलाहाबाद वाले दोस्त हैं, जयपुर वाले दोस्त हैं, उनके लिए कोई आप यहाँ का वाकया शेयर करना चाहें जिसने एक इंसान के तौर पे आप में कुछ जोड़ा हो, कुछ मजबूती दी हो? यहाँ आकर के मुझे प्रशासन के व्यवहारिक अनुभवों से मुखातिब होना पड़ा। एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं तो हमें सब कुछ वाइट वाइट दिखता है, जब हम सुनते हैं तो सब ब्लैक ब्लैक दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक ग्रे एरिया होता है और हमें उस ग्रे एरिया को धीरे धीरे वाइट की ओर ले जाना होता है, बस हमें प्रयास यही करना चाहिए। कोई दिलचस्प वाक्य? दिलचस्प वाक्य, आप कहानीकार भी हैं इसलिए जिद करके पूछ रहा हूँ। एक शिकायत का दिलचस्प वाक्य बताता हूँ मैं। जब मैं दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे तहसील में मैंने ज्वाइन किया तो 14 लोग आए थे जिनको पट्टे अलॉट हुए थे, लेकिन उनको वहाँ से बेदखल कर दिया गया था। तो मैं मौके पर गया, उनको जगह दिलाई और वापस उनको कब्ज़ा दिला दिया, लेकिन हुआ क्या, हफ्ते 10 दिन में उनको वापस बेदखल कर दिया गया। फिर हमने कब्ज़ा दिलाया, फिर उन लोगों के ख़िलाफ़ जो भी कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई होती है, FIR वगैरह, वो करवाई। लेकिन तीसरी बार फिर उनको बेदखल करके, जो अवैध कब्जेदार थे, उन्होंने कब्ज़ा लिया और वो चले गए ADM साहब के यहाँ, और वहाँ से उन्होंने स्टे ले लिया। स्टे स्वाभाविक था तो, क्योंकि उन्होंने अपनी दादा लाई संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति बताया उसको, तो स्टे स्वाभाविक था, मिलना था। लेकिन बाद में मैंने पर्सनल इसके अंदर इंटरेस्ट लिया और उन 14 लोगों को और जो सामने वाली पार्टी अवैध कब्जा कर रही थी, दोनों से आपस में बातचीत की। और जब बातचीत की तो बातचीत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, दोनों के हित अपनी अपनी जगह रहने चाहिए। उनका जो पट्टा है वो अपने पट्टे में रहें, ये 14 लोग अपने पट्टे में रहें। उन्होंने मेरे खिलाफ़ भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर शिकायत की, बहुत सारी शिकायतबाजी वैसे भी हमारे DM सर को, कमिश्नर सर को, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। लेकिन लास्ट के अंदर कल वो लोग आए, कल ही वो दिन था जब वो लोग आए और वो मान गए कि हम उन 14 लोगों को कभी भी हम तंग नहीं करेंगे अब, पर आप भी हमारे खिलाफ़ कार्रवाई मत करवाइए और हम भी आपके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं कराएंगे। यानी एक तरह से उन्होंने मान लिया कि हमसे पहले गलती हुई थी। तो यदि आप पॉजिटिव काम करते हैं तो सामने वाला चाहे कितने भी गलत हो, एक समय के बाद वो आपको स्वीकार करने लग जाता है। तो गांधी जी की जो बात है कि जब परिवर्तन की आप शुरुआत करते हैं तो लोग आप पर हंसते हैं, हंसने के बाद आपका विरोध करते हैं और धीरे धीरे आप स्वीकार्य हो जाते हैं। तो कल स्वीकार्यता का कदम 8 महीने पहले ज्वाइन करने के बाद आया था। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, और मैं उम्मीद करता हूं कि नवाचार इस पाती ढांचे में कायम रहे आपके जैसे नौजवान अफसरों के ज़रिए। आप देख रहे हैं dlalantop.com, जो समय की, समाज की सकारात्मक कहानियाँ भी आप तक यूँ ही पहुँचाता रहेगा। आपकी, डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जो यहाँ पर तैनात हैं, उनकी इस मुहिम के बारे में क्या राय है? आपने कुछ नज़ारे देखे, कुछ बुकलेट में देखे, कुछ हमने आपको टहल के दिखाए, और बाकी तो इन आँखों ने देखे ही हैं, इसलिए तस्दीक कर रहा हूँ। इनके बारे में अपनी राय से अवगत करवाइए, हमें ये ज़रूर बताइए कि स्वच्छ भारत ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा भर नहीं है, भले ही ये देश के प्रधानमंत्री ने शुरू किया हो जो एक खास राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। स्वच्छता तो सब पर लागू होती है ना, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि सड़क बनेगी तो हर बिरादरी का आदमी निकलेगा, स्कूल बनेगा तो सब लोग पढ़ेंगे, वैसे ही अगर सफाई होगी तो वो सबके लिए अच्छा होगा। सफाई के इस छाता मॉडल के बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत करवाइए। अगर कोई सवाल भी हो तो आप पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि राजेंद्र जी से उनका जवाब हासिल करने की कोशिश करें किसी और अगली सीरीज़ में। बाकी आप इनके मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, IAS की हिंदी माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं नौजवान लड़के और लड़कियाँ उनके बीच। और हमारे बारे में भी कोई राय हो तो ज़रूर बता दीजिएगा, गाली मत लिखा करिए, क्योंकि गाली सिर्फ ये बताती है कि आपका यहाँ पे जो दिमाग है, यहाँ की भी सफाई की ज़रूरत है, वरना आप तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, कभी कभी कुतर्क भी करेंगे, पर गालियाँ शोभा नहीं देती हैं और ऐसे में आपको अपने हिस्से का वाजिब तर्क भी नहीं मिल पाता है। dlalantop.com सभी आलोचनाओं के लिए तैयार, सभी सुधारों के लिए तैयार, क्योंकि ये आपका माध्यम है, और इसीलिए हम छाता तहसील के ज़रिए एक नया ऐलान भी कर रहे हैं। जब भी आपको लगे कि आपके इर्द गिर्द कोई अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, कोई IAS, कोई IPS, कोई IFS, तो हमें ज़रूर बताइए और हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम जाए, उनके काम की तस्दीक करे, और अगर वो काम अच्छा है तो पूरे देश और पूरी दुनिया को पता चले। जैसे बुराई को रोकने के लिए उसको वहीं पे दबोच देना ज़रूरी है, वैसे ही अच्छाई को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उसका प्रसार हो। शुक्रिया।